हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद इट्स बेबी लाइफ। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन फ्रेज व्हिच इज़ इनफॉर्मली यूज्ड, दैट इज टू बी ऑन इट्स लास्ट लेग्स। ओके, सो लेट्स सी व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। इट्स मीनिंग इज इफ समवन और समथिंग इज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, दे आर इन बैड कंडीशन एंड विल सून बी अनएबल टू वर्क प्रॉपरली। मतलब कोई चीज़ या कोई पर्सन बहुत ही बुरी कंडीशन, मतलब मरने की कंडीशन, कोई पर्सन या फिर कोई चीज़ बहुत बुरी कंडीशन में जो कि जल्द ही काम करना बंद कर देगी, या फिर अ पर्सन हु इज़ ऑन देयर लास्ट लेग्स मीन्स इज़ वेरी टायर्ड और नियर टू दैट। मतलब कोई बहुत चल चल के आया, बहुत थक गया, तो वो फिजिकली बस कोलेप्स होने ही वाला, मतलब बेहोश होने ही वाला है, या फिर कोई पर्सन नियर टू दैट है, तो उसके लिए हम ऐसे यूज़ करेंगे ऑन इट्स लास्ट लेग्स। या फिर आप रिलेशनशिप के लिए भी यूज़ कर सकते हैं वर्ड को, लाइक कोई कपल अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है बट उन लोगों से नहीं हो पा रहा, तो आप ऐसे बोलते कि लाइक द रिलेशनशिप इज़ ऑन लास्ट लेग्स। ओके, सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट एग्जाम्पल इज The plumber said that the washing machine is on its last legs. I think we should buy a new one now before it completely floods the kitchen. मतलब प्लम्बर ने कहा था कि वॉशिंग मशीन मतलब उसके आखिरी पलों में है, तो हमें लगता है कि हमें नई मशीन खरीद लेनी चाहिए इससे पहले कि वो किचन को पूरे पानी से भर दे, तो हमें न्यू मशीन खरीद लेनी चाहिए। We had been out walking all day and I was on my last legs when we reached the hotel. मतलब हम पूरे दिन भर से बाहर वॉकिंग, मतलब हम पूरे दिन भर बाहर वॉक करते हुए आ रहे हैं, और जैसे मैं होटल पहुंचा, जब मैं होटल पहुंचा तो मतलब मैं बेहोश ही होने वाला था लगभग। सो आई वॉज ऑन माई लास्ट लेग्स वेन वी रीच द होटल। इट लुक्स एज दो हर ग्रैंड फादर इज ऑन हिज लास्ट लेग्स। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि उसके ग्रैंड फादर, मतलब दादाजी या नाना, उनकी डेथ होने ही वाली है। सो इस तरह से आप इस एक्सप्रेशन को अपने डे टू डे सिचुएशन में आप यूज़ कर सकते हैं। ओके,